अच्छा मना किया ना? कौन है? मना किया? हाँ बिल्कुल। कब किया है? अभी किया ना। फालतू ज्यादा बात। दो लोगों का मोबाइल चोरी हो चुका है और एक लोग का 4,000 रुपए का बिल नहीं देगा, एक भी रुपए उसको पे नहीं करेंगे, वो चाहे जो उखाड़ ले। सुनिए मेरी बात को, अब मेरा वक्त है, आपका वक्त गया, आपका वक्त गया, अब मेरा वक्त। हर जगह पैसेंजर क्यों आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? आपने कंप्लेन बोला, मैंने वापस। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमृतपाली एक्सप्रेस के जर्नी पार्ट टू में। अमृतपाली एक्सप्रेस का अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक का हमने सफर किया पार्ट वन में, और पार्ट टू में हम लेके चलेंगे आपको दिल्ली से लेकर के कटिहार तक। पार्ट टू में डिपार्चर के तौर पे आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे कटिहार जंक्शन तक, या फिर कहें कुछ प्लान चेंज हो गया तो अलग मैटर है ना। बाकी आपको ये भी बता दूँ थोड़ा, वो अमृतपाली एक्सप्रेस में भाई साहब भीड़ जो है ना, तगड़ा वाला भीड़ चल रहा है। अभी तक मैंने जितने भी ट्रेन जर्नी किए हैं, इतना ज़्यादा किसी भी स्लीपर कोच में आज तक कभी नहीं देखा। ओवरलोड मतलब स्लीपर जनरल बना हुआ है, अंदर अगर आप स्लीपर कोच में बैठ जाओ अपनी सीट पर, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोग बाथरूम सब हर जगह ब्लॉक हो रखा है। तो चलिए, जिस हिसाब से कसमत क्या मशक्कत करके हम लोग अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक आए हैं, और दिल्ली से लेकर के अब हम लोग कटिहार तक जाएंगे इसी मशक्कत के साथ, है ना। तो चलिए वेट करते हैं डिपार्चर पे, और डिपार्चर पे डायरेक्टली आपसे मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी को एंजॉय करते हैं। भाई साहब, कोच के खिड़की के पास मैं जा रहा हूँ ना, पूरा गर्म गर्म हवा भपका मार रहा है। बाहर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर अंदर का टेम्परेचर देखा जाए, नापा जाए, तो बाहर के टेम्परेचर से कम 5-7 डिग्री टेम्परेचर ऊपर होगा उधर का, इतना ज़्यादा अंदर का माहौल गर्म हो रखा है। तो भाई साहब, भीड़ देख करके क्या आपको लग रहा है कि हम लोग स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं? देखो इधर भी देखो, सब जगह देखो। तो फाइनली गाइस, हम लोग 15 मिनट हॉल के बाद ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। जाएगी यार। ये है जी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का आउटसाइड का नज़ारा। तो निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्जा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का KRJ, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 26 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल करती है। 2 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 2 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। और भाई साहब, अपना जो अमरपाली एक्सप्रेस है, इसमें भीड़ तो मैंने आपको दिखाया पार्ट वन में, बाकी पार्ट टू में भी देखने को मिलेगा ही। हम लोगों में यहाँ पे दो लोगों का मोबाइल चोरी हो चुका है और एक लोग का 4,000 रुपये कैश चोरी हो चुका है। 2 मोबाइल चोरी हो चुका है हमारे ही कोच से भाई साहब, और पूरे कोच से कहां कहां से चोरी हुआ होगा पता नहीं, हमारे कोच से हुआ। चलो 2 मिनट का हॉल तो हॉर्न भी लग चुका है। आपने क्या बोला मेरे को? क्या दिक्कत हो गया? अभी खाना नहीं देंगे आप? मना कर रहे हैं ना? मना किया ना? कौन है? मना किया? बिल्कुल। कब किया है? अभी किया ना। फालतू ज्यादा बात मत बनाओ। मैं फालतू नहीं बना रहा हूँ। मैंने अगर मना किया, अभी मना किया, अभी क्या बोला तुमने? अभी तुमने क्या बोला? क्या तुमसे बोला पैसे बढ़ा दो? ये कहा पैसे बढ़ा दो? हाँ पैसे खाना ले लो। आज क्या पैसे ले लो? अच्छा, बगैर पैसे के खाना नहीं है? हाँ। बिल भी आप नहीं दोगे? चलो ठीक है, ठीक है। आ रहे हैं, चलो वेट करो। तो दोस्तों, 573 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग अलीगढ़ जंक्शन। स्टेशन कोड यहाँ ALJN, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल दिया गया है। नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ, 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 83 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल करती है। 4 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 4 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर
टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ हम लोगों को सिग्नल मिल चुका है। उठ बैठ कुछ भी नहीं सकते, तुम तो जाओ। अभी तुम मैं इधर आ गया भैया, खोल लियो 10 मिनट है कितना है वो लोग, पर थोड़ा रखो पर थोड़ी दूर है। अच्छा मैं बोला मैं तो देख कर ना, पानी ना मिले। अरे पानी ना इन लोगों को देखने लगा, पानी तो यहीं तो पता नहीं बैठ रहा था। कोई नहीं, अगले वाले पे ले जाओ। अली बता भाई बैठने पे, अगला स्टॉप ही है। हां स्टॉप ही बहुत है। अलीगढ़ से देख लो हम लोग निकल रहे अंदर ही अंदर। जय माता दी। निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं हाथरस जंक्शन। स्टेशन कोड यहां का HRS और यहां पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 18 ट्रेन यहां पर आके हॉल्ट करती है। 2 ट्रेन यहां से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 2 ट्रेन यहां से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। भाई साहब हाथरस जंक्शन पर भी काफ़ी अच्छा खासा भीड़ अपने को देखने को मिल जाएगा। और स्लीपर का हाल तो भाई साहब बताए रखा हूँ कि जनरल का पूरा हाल हो रखा है। तो भाई साहब 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं हम लोग हाथरस जंक्शन से। भीड़ भाड़ तो खैर नो डाउट अच्छा, और यहाँ सबसे भी थोड़ा वो जो पैसेंजर वगैरह चढ़ने वाले थे वो बोर्ड हो चुके हैं। और मैं अब आपको यहाँ पे बोलूँगा बाय बाय, बिकॉज़ क्या है कि बार बार गेट से उस साइड कभी प्लेटफॉर्म आ रहा है कभी इस साइड, तो नहीं हो पा रहा उतरने में, बिकॉज पूरा गेट जो है पूरा ब्लॉक है ना। बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ पर आ पा रहा हूँ, और देखो अंधेरा, मोबाइल भी अंदर करना पड़ेगा। इसलिए जाकर के अब ऐसा करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे पॉज करता हूँ, डायरेक्टली मुलाकात करता हूँ आपसे कल मॉर्निंग से, ठीक है? आप तक के लिए बाय बाय। हमारा हम तो डेट में जा रहे हैं ना, हमारा तो नुकसान कर रहे हो ना, हमें हमारा ट्रेन छुपा रहे हो ना। आप ही मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो था जो RPF वगैरह आए थे यहाँ पे जमा हो रहा था वो मोबाइल चोरी वाला केस का था। एक बंदे ने कंप्लेंट किया था, RPF यहाँ पे आके अटेंड की, तो जो यहाँ पे लेडीज सब बच्चे सब फैमिली बैठी हुई है उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब देखिए क्या बोल सकते थे, लेकिन एक अब उनका था। बाकी हमने भी RPO से ये बोला सर मैं अमृतसर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, ट्रेन में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि भाई साहब कौन क्या कर सकता है, कोई आप किसी को सेपरेटली डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते क्योंकि मैं अमृतसर से प्रॉपर ट्रैवल कर रहा हूँ पार्ट वन। अगर आपने भाई साहब भीड़ दबा के चल रहा है, हाँ ठीक है, आप वही चीज़ है कि आपके सामने जो है आप उसको कुछ भी आप ब्लेम लगा सकते हो, तो आपके इंडिपेंडेंट है ना, आप इंडिपेंडेंट हो। बाकी हमने भी सर को बोला वो सारा चीज़ हुआ तो सारा, और भाई साहब जिनका जिसने कंप्लेन किया था मैंने उनको बोला यार कोई बंदा अगर मोबाइल चोरी करेगा ना वो आपके सामने नहीं बैठेगा, वो चला जाएगा है ना, वो आपके सामने बैठ करके मोबाइल चोरी करके बैठेगा वो इतने घर से। उनको भी समझाया वो भी समझे, तो बात अभी रफा दफा हो गया, कंप्लेन को वो वापस ले लें। ये कहानी देख लो जी पूरा हाउस फुल हो रखा है, इसलिए जाकर के मैं सीट पे नहीं आ रहा था है ना। मैं सोचा चलो यहीं से अपना काम कर लो, बाहर बार सुबह से खड़ा हूँ कंटिन्यू, अब जाकर के रेस्ट मिलेगा अपने। चलिए ठीक है, वन सेकेंड बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, डायरेक्टली मुलाकात करता हूँ मैं आपसे कल मॉर्निंग में। सो गाइस तो गुड मॉर्निंग, तो निर्धारित समय से बिना किसी देरी के हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का GKP और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 119 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 57 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 58 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और भाई साहब वो जो पैंटी वाला जो कहानी था, जो दिन में खाना लिया था, दिन में भैंसबाजी हुई, रात में खाना नहीं दिया, पार्ट टू में फर्स्ट पार्ट में दिन का खाना दिया था उसका पैसा अभी तक नहीं दिया, सेकेंड पार्ट में खाना उससे मंगाया खाने का पैसा नहीं दिया उसको, बहुत समझा नहीं समझाया, रात में कंप्लेंट किया तो भाई साहब 12 बजे रात में उसका पेंट्री स्टाफ मेरे पास है 12-1 बजे रात में, और वो कंप्रोमाइज वाली बात करने लगा भाई साहब आकर के संभाल लो बात को नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मैं बोला भाई मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी करूँगा कल मॉर्निंग में करूँगा, आज जो है ढिसुम जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो ढिसुम जरूर होगा, बाकी आगे आपको एंटरटेनमेंट जो है देखने को मिलेगा। हम भी उसी टाइप के भाई साहब विदाउट नो बिल नो पे है ना, बिल नहीं देगा, एक भी रुपये उसको पे नहीं करेंगे वो चाहे जो उखाड़ ले। ओके गए तो 10 मिनट हॉल के बाद हम लोग निकल चुके हैं गोरखपुर जंक्शन से।
निर्धारित समय से बिना किसी देरी के हम लोग पहुँच चुके हैं सिवान दर्शन। स्टेशन कोड यहाँ का SV और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 82 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 6 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 5 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। और भाई साहब सिवान जंक्शन पर पैसेंजर भर भर करके जो है डीबोर्ड हुए हैं। ऐसे गोरखपुर से स्टार्ट हो चुका था, गोरखपुर डियोरिया से दर सबसे, बट सिवान में सबसे ज़्यादा पैसेंजर वगैरह डीबोर्ड होने वाले। बाकी थोड़े बहुत ऑनबोर्ड जो लोकल ट्रैवल करने वाले होते हैं वो तो सिलसिला चलता ही रहेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो 10 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग डिपार्चर हो रहे हैं सिवान जंक्शन से। दोस्तों पहुंच चुके हम लोग छपरा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का CPR और यहाँ का अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 128 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 21 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 20 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। भाई साहब अमृतपाली एक्सप्रेस को मान गया भाई साहब, गजब की ट्रेन है भाई साहब, गजब की। लेट तो भाई साहब 10-15-20 मिनट किया, बाकी भाई साहब छपरा बिफोर 30 मिनट पहुँचा दिया है ना। कहीं पे मतलब फील ही नहीं हुआ वैसे अपनी ट्रेन जो है लेट चल रही है, और मतलब तगड़ा वाला ट्रेन है ऑन टाइम। अभी जितना भी सफ़र कर रहा हूँ कोई ट्रेन 1 घंटे, कोई ट्रेन 2 घंटे, कोई ट्रेन 3 घंटे की डिले से चल रही है, बट वैसे हम पाली एक्सप्रेस को मान लो मस्त ट्रेन है वैसे, तभी जाके इतनी भीड़ तगड़ी होती है। चलिए यहाँ पे कुछ लिट्टी उट्टी मिलता है वो खा लिया जाए। 30 रुपये प्लेट दीजिए 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 सोयाबीन आलू के साथ दे रहे दे रहे दीजिए। आपने आपने डायरेक्टली मेरे को ये बोला नहीं, पैसे के लिए हमने आपसे नहीं कहा। चलो ठीक है, आपका प्रूफ दिखा दूं मैं अपने पास। हाँ देख लो, अगर हमने आपसे कहा हो पैसे के लिए, हमने अगर अभी एक्स्ट्रा खाना नहीं ऑर्डर दिया होता आप खाना मिल जाए। क्लियर फुल यहां कमाया क्या बोल रहे, नहीं है ना। और अभी मैं सुना रहा हूं वीडियो ला लो ठीक है, पूरा क्लियर। अगर हमने कहा तो आप उतारे दो तुम यहीं। मैं क्या अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं अभी पूरा क्लियर सुनाऊंगा। ओके गाइस, तो निकल चुके हम लोग छपरा जंक्शन से 10 मिनट होल्ड के बाद, है ना भाई। बोलिए जी, कर रहे हैं वो थोड़ा सा, मेरा भी मेरा ये काम है, मैं रिकॉर्डिंग ब्लॉग बनाता हूँ, मेरा लिए इम्पोर्टेंट है, है ना, है ना। बस 2 मिनट रुक जाइए उसके बाद। आप इनसे पूछो अभी जिस हिसाब से मेरे से बात कर रहे हैं, अभी जिस हिसाब से कर रहे हैं, रात में ऐसे कर रहे थे पूछिए जी। आप हैं जी ऐसे बात किए थे आपने, सुनो मेरी बात। कल दिन में वैसे इनको बताया, एक बार बताओ, एक लोग शकल से भी अंदाजा लगाता है, है ना, लोग को शकल से ही पता। सुनिए मेरी बात को, अब मेरा वक्त है, आपका वक्त गया, आपका वक्त गया, अब मेरा वक्त है ना। आपका वक्त था, आपसे मैंने पूरा कॉर्पोरेट किया था, नो डाउट है। रात में खाना लेकर के आए, मैं खाना देता बैच नंबर पे, ये वैसे बोल रहे पैसा पहले पिछला मुझे भी याद है। सुनिए, आप मैनेजर हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं, नहीं तो मैं फालतू का दिमाग नहीं लगाता। आप बोल रहे हैं मैनेजर हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जिन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, बोला कि बिल नहीं मिलेगा, आपको पैसा पिछला देना है। मैं बोला पिछला पैसा बिल दो ना, मैं दोनों का आपका साथ दे देता हूँ। ये भाई साहब, मैं बोला खाना दोगे कि नहीं दोगे, नहीं दूंगा। मैं बोला क्यों नहीं भाई, बोला नहीं दूंगा, पैसा दो अब तुरंत दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा अभी वैसा आपको, रिकॉर्डिंग सुना दो। हां सुनाऊंगा, अगर हमने आपसे कहा हो पैसा पहले दो ठीक है, अभी अभी सुनाओ। चलिए ठीक है, आप खाने का क्या रेट, बस कितने का खाना है आपका, आपका खाना कितने का? 80 रुपये का। क्यों, कितने का दिया खाना? कुछ नहीं का, कोई पैसे नहीं दिए। बताया कितने का था आपने, बताया कितने का था, ये नहीं छोड़िए, बताया कितने का था आपने, आपने बताया कितने का था भाई साहब। गजब बात, अरे मैं तो छोड़ ही रखा था भाई साहब, आप पकड़ करके रखे मेरे को, मैं तो छोड़ रखा था, मैं कहाँ कुछ आपको बोल गया। मैंने आप देखा होते, सुनिए मेरी बात, अगर मेरे को अगर आपसे आर्गूमेंट ही करना होता तो मैं स्टार्टिंग में आपसे वो नहीं करता। कैमरा तो ये चलेगा, कैमरा ब्लॉग में बना दो, बनता रहेगा, हाइड में कर दूँगा, मैं कई चीज़ हाइड कर दूँगा, कैमरा तो चलेगा। क्या क्षमा करो बताओ, क्या क्या करो बता दो, आप बताओ, आप बताओ क्या करो, आप बताओ। जब मेरे जैसे को जब नहीं गुड़ाना जा रहा है तो भाई तो उसी को क्या गुड़ाने का कौन।
हर जगह पैसेंजर क्यों आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? आपने कंप्लेन बोला, मैंने वापस लिया, कोई दिक्कत नहीं ना? आप बोलोगे ऐसे खाने का टेस्ट नहीं देंगे, क्यों भाई? हाँ तो टेस्ट है तो कोई बात नहीं। पैसेंजर, अब पैसेंजर ही बोल रहा है खाने का टेस्ट नहीं था ना टेस्ट, अंडा बोल रहा है, पैसेंजर खुद बोल रहा है खाना पेगा। भाई कोई बंदा फसासी लगाया, पैसा लगाया उसने। तो चलिए जी, मिला जुला करके पेंटी कार वाला जो केस था उसको खत्म किया। भाई पता है ना, पहले तो सीना चौरा करके बात करते, जब जाके कंप्लेंट डाल दो तब बाबूजी जी प्रणाम करने लगते, फिर बाद में फिर मैनेजर चल के आता। तो इसी तरह वह किया, कंप्लेंट को वापस कर लिया। और कुछ पैसेंजर इक्का दुक्का थे जो कि खाना वाना लिया था सर, उसको वापस उसको बोला था कर देने, कर दिया होगा। बाकी मोस्टली पैसेंजर तो कर ही गए थे, गोरखपुर से उतरना स्टार्ट हो चुका था। चलिए क्या किया जा सकता है, ये सब कभी नहीं सुधरने वाला है, कभी भी नहीं। और भाई साहब, अम्रपाली एक्सप्रेस में विदाउट टिकट यात्रा करने की तो कोशिश भी मत करना। अमृतसर से लेकर के अभी समझ लो हाजीपुर आने वाला है, तब से लेकर कल से लेकर अभी तक में कम से कम 10-15 बार चेकिंग वाले आ चुके, बार बार प्रति बार। कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत, कहीं ना कहीं पर आपका बिल बनना ही बनना है। इससे अच्छा है 250 रुपये के फाइन से बचना, वहाँ से जनरल टिकट लेना या फिर वेटिंग टिकट लेके तभी ट्रेन में बोर्ड होना, अन्यथा 250 का फाइन आपका कटेगा कटेगा। दोस्तों अपनी सवारी पहुंच चुकी है सोनपुर जंक्शन, स्टेशन कोड यहाँ का SEE और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटों की बात को 4 प्लेटों का स्टेशन है, 73 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है, 7 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 7 टर्मिनेट होती है। और उतरने वाले पैसेंजर थोड़े बहुत है, बाकी वेंडर वगैरह का अच्छा खासा भीड़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बेचते हुए। सबसे ज़्यादा आपको चिनिया केला बेचते हुए नजर आ जाएंगे, है ना, जो कि हाजीपुर में मिलता है और सोनपुर में भी आपको देखने को मिलेगा। बट हाजीपुर को स्किप करने वाला हूँ और डायरेक्टली मुलाकात करूँगा आपसे मुजफ्फरपुर पे। तो चलिए 5 मिनट हॉल के बाद निकल चुके हैं हम लोग। सोनपुर के मेला देखे, कैसे पता नहीं गाना है सोनपुर वाला, सोनपुर का मेला काफ़ी ज़्यादा मिला। दोस्तों 1521 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है यहाँ का MFP और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ, 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 124 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है, 21 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 21 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। और साथ ही साथ अपनी बैक साइड में लगी हुई है मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। चलिए, और मुजफ्फरपुर भी आपको अच्छा खासा रौनक मिलेगा, चाहे वो पैसेंजर का हो चाहे वो फिर वेंडर का हो, खाने पीने के अच्छे खासे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 10 मिनट हॉल के बाद हम लोग निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से। तो दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है यहाँ का SPJ और यहाँ पे अपनी ट्रेन का अम्रपाली एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 150 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है, 19 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 19 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट होती है। और थोड़ा सा अभी कटिहार तक का मैंने बताया था, कटिहार तक का फुल जर्नी करूँगा, बट मुझे डीबोर्ड होना पड़ा समस्तीपुर में, बिकॉज एक यहाँ से मेरा जर्नी प्लान हो गया जो कि मैं समस्तीपुर से करने वाला हूँ। तो कटिहार अगर मैं चले जाऊँगा तब जाकर के वो जर्नी जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस कारण से मैं समस्तीपुर में डिवोर्ड हो गया हूँ, है ना। कोई नहीं, फिर कभी कटिहार तक की जर्नी की जाएगी। और वैसे एक चीज़ और लगा कि मुझे लग रहा है अम्रपाली एक्सप्रेस का मैंने तारीफ जो कर दिया वैसा भी लेट कर दी। लेट करने का खैर इसका रीज़न नहीं था, हाजीपुर के बाद में जो कुछ काम वगैरह चल रहा है ट्रैक के ऊपर, उस कारण से जो सारी ट्रेनें वगैरह
लेट हो गया। हाजीपुर के बाद हमारा ट्रेन 40 मिनट जो इधर लेट हुआ, बाकी हाजीपुर तक पूरा ऑन द टाइम है। सो ट्रेन चलिए, बिफोर टाइम ट्रेन चलिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्या किया जा सकता है। तो बस यही कहूँगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलता हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए समस्तीपुर जंक्शन से आप सभी को बाय बाय, टाटा।